हेलो गाइस, आज हमारे पास पल्सर 220। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि गाड़ी वाले का मीटर ऑन है और हॉर्न नहीं बज रहा है, सेल्फ सेल्फ काम नहीं कर रहा है, हॉर्न भी नहीं बज रहा है और इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने जो करना है इसका, सबसे पहले करना है फ्यूज चेक 5 एम्पियर, जो मैंने कर लिया है ओके है। तो अभी क्या करना है, हमने यहाँ तो वायरिंग चेक करनी है या फिर हेड खोलते हैं, हेड खोल के देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो पहले मैं हेड खोल लेता हूँ, जैसे कि एक वीडियो मैंने पहले डाल रखी है हेड कैसे खोलना है, तो वो तो नॉर्मली है, आपने नट बोल्ट खोलना है, नट बोल्ट खोल के हेड खुल जाएगा। फिर जो वायरिंग चेक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आती है और क्यों आ रही है। नॉर्मली है, हॉर्न वॉरन यार ये चीज़ें ज़रूरी है तो चाहिए तो ज़रूर। तो पहले हम इसको खोलते हैं फिर देखते हैं आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये कंट्रोल यूनिट हैं दोनों, एक नई एक पुरानी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको अगर आप ऐसे चेक करना चाहोगे तो कोई तार ना टूटी है, ना कोई जला है, कुछ नहीं हुआ है, ये होता है सील्ड। तो ऐसे तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो आपने यही करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि एक कोई सी ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हॉर्न नहीं बज रहा है या फिर आपका इंडिकेटर कोई एक चीज़ है, तो आपने तार चेक करनी है वायरिंग की। और जैसे कि दो तीन फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, हॉर्न भी नहीं बज रहा है, लाइट भी नहीं जल रही है, सेल्फ भी नहीं ले रहा है, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है, तो आपने फिर वायरिंग नहीं कट करनी है। आपने सबसे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो प्रोसेस खोल के, या फिर आप नॉर्मली नीचे से भी चेक कर सकते हो, दिखा नहीं सकता था लेकिन उतने अच्छे वो एंगल अच्छा नहीं आता कैमरे का, तब मैंने खोल के चेक करा दूंगा आपको। जो भी है मतलब जैसा भी है, मैं उसमें खोल के बताऊंगा आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हमने कंट्रोल यूनिट बदलनी पड़ेगी। नट बोल्ट हमने खोल लिए हैं, अब हमने निकाल लिए हैं फेरी बाहर मीटर कॉइल। मीटर निकालने के लिए हमने सॉकेट बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कंट्रोल यूनिट जो हमने चेक करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जो हमारा ये काम नहीं कर रहा है। पहले हम इसके सारे सॉकेट निकाल लेते हैं, एक दो तीन, और एक सॉकेट हॉर्न वाला। सारे सॉकेट निकाल लिए हमने, अब हमारे पास है एक ये नया है, कुछ इस तरीके का होता है ये। पहले हम बाहर से बाहर ही फिट कर लेंगे इसे चेक करने के लिए कि क्या हमारी यही प्रॉब्लम है। खोलने की ही दिक्कत है, बाकी तो प्लग एंड प्ले है, बस हो गया। ये आ गया हमारा हॉर्न वाला सॉकेट, और अब ये दो दो सॉकेट हैं, इसमें एक ये सेल्फ वाला है और जो ये सॉकेट बचा है, ये चारों इंडिकेटर जो सॉरी चारों कह रहा हूँ, जो इंडिकेटर हमारा हैंडल मोड़ने के बाद बंद हो जाता है उसका है। तो ये हमारा सेल्फ काम कर रहा है, ये हमारा हॉर्न काम कर रहा है और हमारे इंडिकेटर भी काम कर रहे हैं। तो हमने करना क्या है, आपने देखा ही होगा, पहले फ्यूज चेक करना है, वहाँ से नहीं होता है तो वायरिंग को उतना ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले हमने अपनी कंट्रोल यूनिट चेक करनी है ज़्यादा ना खोलते हुए। तो ये काम करने के बाद हमारा काम ओके हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली आइटम है, मैं बता देता हूँ आपको, 1924 रुपये का आइटम है ये। तो हमारे हॉर्न जितने ज़रूरी हैं उतना महंगा भी है फिर ये आइटम। तो बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।